इंसान लालच में आकर आखिर क्या कुछ नहीं करता है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो एक इच्छाधारी नागिन के बारे में है। एक इंसान इस तरह से लालच में आकर एक इच्छाधारी नागिन की हंसी खुशी जिंदगी, उसका घर संसार बर्बाद कर देता है और बाद में उसके साथ जो भी होता है मैं आप लोगों को इस कहानी में बताने वाला हूँ। कहते हैं कि जिसको नागमणि मिल जाए वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान बन जाता है। दोस्तों, इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में किसको नहीं पता है। नागमणि, इच्छाधारी नाग और नागिन कई साल तपस्या करने के बाद भगवान शिव के द्वारा मिले गए उनको वरदान है नागमणि। ये नागमणि बहुत ही ताकतवर होता है जिसके मदद से इच्छाधारी नाग और नागिन अपने इच्छा के अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड की कांडा नाम का एक छोटे से गांव में रहने वाले एक इंसान राजेश कन के बारे में। राजेश कन बहुत ही आलसी और एक गरीब इंसान था। राजेश कन एक लौता बेटा था। वो अपने बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुका था। वैसे वो बचपन से गरीब नहीं था, उसके माता पिता का ढेर सारे संपत्ति थे, लेकिन राजेश कन अपने आलसी स्वभाव के कारण जितने भी उसके संपत्ति थे सब खा पी कर सब उड़ा दिया था। उसके पास रहने के लिए बस एक छोटा सा घर था। राजेश कन अपने आवारे दोस्तों लोगों के साथ मिलकर हमेशा नशे में टुन रहता था। राजेश कन के चाचा उसे बचपन से लेकर उसके देखभाल करते आए थे। राजेश कन के चाचा हमेशा उसे कहते थे कि कोई काम करने के लिए, मगर राजेश कन काम का नाम सुनते ही उसको 108 बुखार आ जाता था। वो हमेशा ये सोचता था कि वो एक राजा की जिंदगी जिए, बिना कुछ काम किए, बिना कुछ मेहनत किए, उसे एक राजा की जिंदगी चाहिए था। एक दिन रात को राजेश कन अपने पास कुछ भी पैसा ना होने के वजह से वो गांव के एक सेठ के घर चोरी करने के लिए गया। उस वक्त रात के 12 बज चुका था। सेठ अपने घर में शांति से सो रहा था। राजेश कन सेठ के घर के अंदर घुसकर उसके अलमारी से कुछ रुपए चोरी करके निकलने ही वाला था कि अचानक उसके पाँव के नीचे एक बर्तन आ जाता है। बर्तन के ऊपर पाँव पड़ने से जोर से आवाज आता है। आवाज के वजह से सेठ और उसके परिवार सभी लोगों का नींद टूट जाता है। राजेश कन डर के मारे रुपए लेकर जंगल के अंदर भाग जाता है। वो भागते भागते जंगल के काफी अंदर चला जाता है। उस वक्त रात ज्यादा होने के वजह से जंगल में अंधेरा रहता है। वो डर के मारे एक पेड़ के नीचे जाकर छुप जाता है। कैसे भी करके अगर ये रात गुजर जाएगा तो वो छुपके से अपने घर चला जाएगा, ये सोचकर उस पेड़ के नीचे छुपा रहता है। वो उस अंधेरे जंगल में भागते भागते उसके हाथ और पाँव में काफी ज्यादा चोट भी लगे थे, जिससे उसका काफी ज्यादा खून भी बह गया था। कुछ समय उस पेड़ के नीचे छुपे रहने के बाद उसे कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देता है। वो देखता है कि एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत ही बड़ी रोशनी दिखाई दे रहा था। उस रोशनी की चमक ऐसे चमक रही थी कि जैसे उस जंगल में आसमान से कोई तारा टूटकर नीचे गिर गया हो। राजेश कन अपने जिंदगी में कभी भी इस तरह सा चमकता हुआ चीज नहीं देखा था। आखिर वो चमकता हुआ चीज क्या है ये जानने के लिए वो थोड़ा सा आगे गया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसने देखा कि वो चमकता हुआ रोशनी उसके शरीर के ऊपर पड़ रहा था। फिर जो नजारा उसने देखा वो देखने के बाद उसका होश ही उड़ गया। उसने जो देखा उसके आंखों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने देखा वो चमकता हुआ रोशनी उसके शरीर पर पड़ने पर उसके शरीर पर जहां जहां भी घाव था वो सब पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसके शरीर से खून बहना भी बंद हो चुका था और वो पहले के तरह पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ये सब नजारा देखने के बाद राजेश कन हैरान था। आखिर वो चमकता हुआ चीज क्या है ये सब जानने के लिए वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा कि उसने देखा उस जगह पर बहुत ही बड़ा एक इच्छाधारी नाग और नागिन थे। वो जो चमकता हुआ चीज उसे दिखाई दे रहा था वो कुछ और नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन की मणि था। इतना बड़ा सांप देखने के बाद राजेश कन की होश उड़ गए। वो कैसे भी करके चुपके से अपनी जान बचाकर उस जगह से भागकर आ गया। वो भागते भागते जंगल से निकलकर आधी रात में ही अपने घर आ पहुंचा और जाकर अपने बिस्तर में सो गया। वो डर के मारे
अपने बिस्तर में सोकर कांप रहा था। वो अपनी जिंदगी में इस तरह का इतना बड़ा सांप कभी भी नहीं देखा था। चाहे वो जो भी हो, वो एक बुरा सपना है, ये सोचकर वो भूलना चाहता था। मगर जब भी वो सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता था, तो उसके नींदों पर वो चमकता हुआ रोशनी ही उसे दिखाई दे रहा था। वो सोचने लगा, वो नागमणि कितने शक्तिशाली होगा जिसके रोशनी पड़ने पर उसका शरीर का सारा घाव मिट गया। अगर वो नागमणि मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। बिना मेहनत किए ही मुझे दुनिया का सारे खुशी मिल जाएगा। उस नागमणि के लालच में आकर राजेश कन कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसने सोचा, किसी भी हालत से उस इच्छाधारी नाग और नागिन को मारकर उनका जो नागमणि है वो हासिल करेगा। उसके अगले ही दिन जैसे ही सुबह हुआ, वो इच्छाधारी नाग और नागिन को मारने का बंदोबस्त करने लगा। किसी भी हालत में वो इच्छाधारी नाग और नागिन को मारना चाहता था, ताकि उनका जो नागमणि है वो हासिल कर सके और वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान बन सके। इसीलिए वो रोज रात को छुपके से जंगल जाता था। उसी जगह पर जाकर वो उन दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में पता करने लगा। उसने देखा कि उस वक्त इच्छाधारी नागिन माँ बनने वाली थी, जिसके वजह से उसका ताकत कम हो चुका था। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गई थी, जिसके वजह से इच्छाधारी नाग अपनी मणि निकालकर उसकी ताकत से इच्छाधारी नागिन और उनके होने वाले बच्चों की रक्षा करता था। इच्छाधारी नागिन गर्भवती होने के वजह से वो अपने मणि को निकालकर एक सुरक्षित जगह पर छुपाकर रख दिए थे, क्योंकि उसे पता था वो गर्भवती होने के वजह से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी और नागमणि को अपने सर पर उठाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो अपने नागमणि को एक सुरक्षित जगह पर छुपाकर रख दिया था। इसीलिए इच्छाधारी नाग अपनी मणि की सहायता से उस जगह पर रहकर अपने बीबी और बच्चों की रक्षा करता था। राजेश कन्न ने देखा, इच्छाधारी नागिन गर्भवती होने के वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, लेकिन उसे उससे डर नहीं था। उसे डर था तो सिर्फ इच्छाधारी नाग से। आखिर वो क्या करे जिसके वजह से उसके रास्ते से इच्छाधारी नाग को वो हटा सके। उस वक्त उसके शैतानी दिमाग में एक तरकीब आया। वो जंगल के उसी जगह पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्या यहाँ कोई है? कोई मेरी मदद कीजिए, कृपया कोई मेरी मदद कीजिए, मैं रास्ता खो चुका हूँ। अगर सही समय पर मैं घर नहीं पहुँचा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या यहाँ कोई मेरी मदद करने के लिए है? कृपया मेरी मदद कीजिए। राजेश कन की इस तरह का बातें सुनकर इच्छाधारी नागिन वहां पर जो बैठी हुई थी उसको दया आ गई। नागिन ने अपने नाग को कहने लगा, हे प्राणनाथ, लगता है कोई मुसाफिर अपना रास्ता खोकर इस घने जंगल के अंदर आ गया है, कृपया आप जाकर उसकी मदद कीजिए। इच्छाधारी नागिन की बातें सुनने के बाद नाग कहने लगा, हे देवी, मैं तुम्हें इसी हालत पर छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहूंगा, वो मुसाफिर अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेगा। नाग के बातें सुनने के बाद नागिन कहने लगी, स्वामी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप जाइए उस मुसाफिर की मदद कीजिए। लगता है वो मुसाफिर किसी समस्या में पड़ा हुआ है, वो अपने घर जल्दी वापस जाना चाहता है, आप जाइए, जाकर उसकी मदद कीजिए। दूसरों की मदद करना हमारा धर्म है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी मुसीबत में हो तो हर इंसान का धर्म ये है कि उसकी मदद करे, आप जाइए उसकी सहायता कीजिए। नागिन के इस तरह का बातें सुनने के बाद नाग सोचने लगा, उस मुसाफिर को सिर्फ रास्ता ही तो दिखाना है, कुछ ही समय की तो बात है, मैं यूं गया और यूं आया। ये कहकर इच्छाधारी नाग देखते ही देखते एक इंसानी रूप में आ जाता है। वो एक इंसानी रूप धारण करके राजेश कन के पास जाता है और कहता है, हे मुसाफिर, लगता है तुम इस घने जंगल के अंदर भटक गए हो। राजेश कन उस इंसान को देखते ही समझ गया, ये हो ना हो जरूर इच्छाधारी नाग ही है। उसने बहुत ही गंभीरता से कहने लगा, हाँ भैया, मैं बहुत ही जल्दी में हूँ और इस जंगल के अंदर भटक गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जंगल के बाहर कैसे जाऊँ, कृपया आप मेरी मदद कीजिए, इस जंगल के बाहर जाने का रास्ता मुझे बताइए। इच्छाधारी नाग ने कहने लगा, ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं आपको जंगल के बाहर जाने का रास्ता दिखाता हूँ। ये कहने के बाद दोनों एक साथ मिलकर जंगल के बाहर चलने लगे।
दोनों ही कुछ ही दूर जाने के बाद एक बड़ा सा चट्टान आया। उस चट्टान के ऊपर खड़ा होकर इच्छाधार नाग ने कहा, दोस्त तुम इस चट्टान के नीचे उतरकर थोड़ा सा आगे जाने के बाद तुम्हें एक कच्ची सड़क दिखाई देगा। उस कच्ची सड़क में तुम सीधे चले जाना, तुम्हें शहर नजर आ जाएगा। तुम्हारे साथ मेरा सफर यहाँ तक ही था, अब तुम आगे चले जाओ। इच्छाधारी नाग के इस तरह का बातें सुनने के बाद राजस्कन कहने लगा, दोस्त तुम इतने दूर तो आए हो, मेरे एक और मदद कर दो। मुझे ऊंचे जगह से नीचे उतरने में बहुत तकलीफ होता है, मुझे चक्कर आने लगता है, क्या तुम मुझे इस ऊंचे चट्टान से नीचे उतरने के लिए मदद करोगे? उस लालची बेरहम राजस्कन के बातों को इच्छाधारी नाग समझ नहीं पाया। वो उसके मदद करने के लिए कहने लगा, ठीक है पहले मैं नीचे जाता हूँ, मैं नीचे जाकर तुम्हें हाथ दूंगा, तुम मेरे हाथ पकड़कर नीचे आ जाना। ये कहने के बाद इच्छाधारी नाग उस चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी राजस्कन उस बड़े से चट्टान के ऊपर खड़ा होकर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसी पत्थर को जोर से इच्छाधारी नाग के सर के ऊपर फेंक डाला। एक बड़ा सा पत्थर इच्छाधारी नाग के सर के ऊपर पड़ने के बाद उसका सर फट गया, जिसके वजह से वहीं पर ही इच्छाधारी नाग का मौत हो गया। वो बेरहम निर्दयी राजस्कन उस चट्टान के नीचे उतरने के बाद फिर से वो पत्थर उठाकर उस इच्छाधारी नाग के सर को कुचल डाला और उसके पास से वो नागमणि ले लिया। उस नागमणि को अपने हाथ में लेते ही राजस्कन को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कोई नई ऊर्जा जाग उठा हो। वो खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर सोचने लगा। वो उस नागमणि को लेकर अपने घर वापस ही जा रहा था कि वो फिर से सोचने लगा, नाग को तो मैंने मार दिया मगर अभी भी नागिन जिंदा है। अगर नागिन को पता चला कि मैं उसके पति को मार दिया हूँ तो उसका बदला लेने के लिए वो मेरे पास जरूर आएगी। वो उस नागिन को मारने के लिए फिर से उस जंगल के अंदर गया, मगर इस बार उसके मन में कोई भी डर नहीं था क्योंकि उसके हाथ में था नागमणि। वो जंगल के उसी जगह पर जाकर जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, क्या इस जगह पर और कोई है? मेरी मदद कीजिए, मेरा एक दोस्त गाड़ी के नीचे आकर घायल हो गया है, उसे मदद की जरूरत है, कोई मेरे मदद कीजिए, मैं अकेला उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ, कृपया उसे उठाने के लिए कोई मेरे मदद कीजिए, क्या इस जगह पर कोई है? इस तरह का आवाज सुनते ही इच्छाधारी नागिन उस बरगद के पेड़ के नीचे रहकर देखा कि ये वही इंसान है जिसके मदद करने के लिए वो अपने पति को भेजा था। गाड़ी के नीचे कौन आया, क्या वो मेरे पति है? ये सोचते ही इच्छाधार नागिन बहुत ही घबरा जाती है। आखिर सच्चाई क्या है ये जानने के लिए इच्छाधारी नागिन एक औरत की रूप धारण करके उस इंसान के पास जाता है और कहता है, भाई लगता है तुम वही मुसाफिर हो ना जिसके मदद करने के लिए मेरे पति तुम्हारे साथ गए थे? मेरे पति कहाँ है? राजस्कन नागिन को देखते ही पहचान जाता है और वो रोते हुए कहता है, बहन वो क्या आपके पति थे? मुझे माफ कर दीजिए, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, मुझे रास्ता दिखाते दिखाते वो एक गाड़ी से टक्कर खाकर नीचे गिर गए हैं, वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं, अगर सही समय पर उन्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो शायद कुछ भी हो सकता है। उस मुसाफिर के इस तरह का बातें सुनने के बाद इच्छाधारी नागिन को चक्कर आने लगा, जैसे उसके पाँव तले जमीन फिसक गई, वो नागिन नीचे गिरकर बेहोश हो गई। राजस्कन नागिन को बेहोश देखकर वो सोचने लगा, यही सही मौका है नागिन को अपने रास्ते से हटाने के लिए। उसने एक बड़ा सा लकड़ी उठाकर नागिन को वहीं पर पीट पीट कर मार डाला और खुशी से अपने घर चला गया। वो अपने घर पहुंचने के बाद सोचने लगा, इस मणि का उपयोग कैसे करे? ये एक इच्छाधारी नाग का मणि है, इच्छा के अनुसार जो भी मांगेंगे तो उसे मिल जाएगा। ये सोचकर वो अपने हाथों पर वो मणि लेकर कहने लगा, हे मणि आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम कुछ ऐसा करो मैं इस गरीबी से दूर हो जाऊं और रातों रात अमीर बन जाओ। ये बात कहते ही कुछ समय के बाद जैसे कोई चमत्कार हो गया, राजस्कन की चाचा भागते हुए उसके घर में आकर दरवाजा खटखटाने लगा। राजस्कन उस मणि को एक जगह पर छुपाने के बाद जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि उस दरवाजे के बाहर उसके चाचा खड़ा था।
दरवाजा खोलते ही राजेश कन के चाचा राजेश कन को गले से लगाकर कहने लगा, बेटा आज के बाद से तुम्हें गरीबी से जीने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक राजा की जिंदगी जियोगे। राजेश कन को अपने चाचा के बातें सुनने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने चाचा को घर में लेकर बिठाया और कहने लगा, चाचा आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजेश कन के चाचा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा तुम्हारे पिताजी मरने से पहले एक इंसान को कुछ रुपए दिए थे, मैं आज जब गांव के बाहर घूम रहा था तो वही इंसान तुम्हारे पिताजी को ढूंढते हुए मेरे पास आए और मुझे तुम्हारे पता पूछने लगे। वो इंसान तुम्हारा पिताजी का पैसा पूरे सूद समय लौटाना चाहता है। उस पैसे की कीमत में सुनते ही मेरा होश उड़ गया, मैं उस इंसान को लेकर आया हूँ, खुद ही तुम उसके साथ बात करो, वो इंसान हमारे घर के बाहर ही खड़ा है, उनको बुलाकर लेकर आओ। राजेश कन भागता हुआ घर के बाहर गया तो उसने देखा उसके घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा काला रंग का गाड़ी खड़ा हुआ था। उस गाड़ी के बाहर एक सफेद रंग का सूट पहने हुए एक इंसान खड़ा हुआ था। राजेश कन दौड़ता हुआ उस इंसान के पास गया। वो इंसान राजेश कन को देखते ही कहने लगा, बेटा मेरा नाम रुद्र प्रताप है, तुम्हारे पिताजी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे, आज से 25 साल पहले मेरा भी हाल तुम्हारे जैसा ही था, मुझे खाने के लिए भी गांव-गांव घूमना पड़ता था, मगर तुम्हारे पिताजी मेरे मदद किए। उस समय तुम्हारे पिताजी मुझे बिजनेस करने का एक उपाय बताए और साथ ही साथ मेरी मदद करते हुए मुझे कुछ रुपए भी दिए थे, उस रुपए को लेकर मैं उस बिजनेस करने लगा, आज देखो मैं एक बहुत ही बड़ा नंबर वन बिजनेसमैन बन चुका हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था, जैसे ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं सीधा विदेश से प्लेन लेकर इंडिया आ गया। तुम्हारे पिताजी का मेरे ऊपर जो कर्जा है मैं आज उसे चुकाना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो इंसान एक बहुत ही बड़ा काला रंग का एक सूटकेस राजेश कन को देने लगा। राजेश कन उस काले रंग की सूटकेस को जैसे ही ओपन किया तो उसकी आंखों में एक बहुत ही बड़ा चमक आने लगा। वो अपनी जिंदगी में कभी भी इतने सारे पैसे नहीं देखा था। रुद्र प्रताप कहने लगा, बेटा ये है 25 करोड़ रुपए, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे पिताजी जो मेरे मदद किए थे उसके हिसाब से ये बहुत ही कम है, मगर इस रुपए को अगर तुम मेरे तरह यूज करोगे तो तुम भी एक दिन मुझसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकोगे। इस रुपए को तुम अपने पास रखो, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। ये कहने के बाद रुद्र प्रताप अपने पॉकेट से विजिटिंग कार्ड निकालकर राजेश कन को देते हुए कहने लगा, कभी भी कोई जरूरत पड़े तो इस नंबर पर मुझे कॉल जरूर करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ये कहते हुए रुद्र प्रताप अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। जिस इंसान को शराब पीने के लिए भी पैसा नहीं मिलता था वो दूसरों के घर में जाकर चोरी करके अपनी जिंदगी गुजारता था। देखते ही देखते उस इंसान के हाथों पर 25 करोड़ रुपए आ गए थे। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। उसे पता था ये सारा का सारा चमत्कार उस नागमणि के वजह से ही हुआ है। राजेश कन उस पैसों से अपने लिए एक बहुत ही बड़ा महल बनाया और वो एक राजा की जिंदगी जीने लगा। दोस्तों कहते हैं जो इंसान बहुत ज्यादा पाप करता है उसके पापों की सजा देने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। राजेश कन के साथ कुछ वैसा ही हुआ। उसने जिस नागिन को मरा हुआ समझकर जंगल में छोड़कर आ गया था वो नागिन मरा नहीं था। भगवान महादेव की कृपा से वो नागिन बच गया, मगर वो अपने पेट में पले बच्चों को नहीं बचा पाया। नागिन अपने पति और बच्चों को खोकर बहुत ही ज्यादा दुखी था। वो राजेश कन से बदला लेने का सही समय का इंतजार कर रही थी। आखिर महादेव की कृपा से वो दिन आ ही गया। राजेश कन की शादी एक बहुत ही बड़े से व्यापारी के बेटी के साथ हो गया। वो अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे राजा की तरह गुजार रहा था, तभी इच्छाधारी नागिन एक गरीब इंसान का रूप धारण करके राजेश कन के पास गया और कहने लगा, मालिक आप बहुत ही बड़े इंसान हैं, क्या आप मुझे कुछ भी काम दे सकते हैं? आप जो भी काम देंगे मैं बहुत ही ईमानदार के साथ करूंगा, मुझे कोई सैलरी की जरूरत नहीं है, बस दो वक्त का रोटी दे देंगे तो मुझे चलेगा। राजेश कन उस इंसान के बातें सुनने के बाद सोच में पड़ गया, आखिर इस दुनिया में
बिना सैलरी के काम करने वाला इंसान कहाँ मिलता है। उसने तुरंत ही उस इंसान को नौकरी में रख लिया। वो उस इंसान को ड्राइवर का काम दिया। नागिन बहुत ही ईमानदार के साथ ड्राइवर का काम करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद राजस्कन उस ड्राइवर के ईमानदारी और मेहनत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने उस ड्राइवर को सगे भाई के तरह अपने पास रखा। कुछ ही दिनों के बाद राजस्कन को ये खुशी खबरी मिली कि वो बाप बनने वाला है। बाप बनने की खुशी में राजस्कन बहुत ज्यादा झूमने लगा, नाचने लगा। उसने ड्राइवर को अपने पास बुलाकर कहने लगा, भाई मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बाप बनने वाला हूँ। आज तू मुझे जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा। बोल तुझे क्या चाहिए, तूने तो मेरे से एक सैलरी का एक पैसा भी नहीं लेता है, मगर आज तू मुझे कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। बोल तुझे क्या चाहिए। ड्राइवर ने कहा, मालिक मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप हमेशा इस तरह से खुश रहे। आपके खुशी के लिए मैंने एक मन्नत मांगा है, अगर आप वो पूरा कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपके बाप बनने की खुशी में मैं महादेव से ये मन्नत मांगा था कि आप और भाभी दोनों मिलकर जंगल के अंदर जो महादेव का मंदिर है वहां जाकर माथा टेक कर आएंगे, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं। ड्राइवर के इस तरह का बातें सुनने के बाद राजस्कन जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, अरे पागल मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ और तुम क्या मांग रहे हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कल ही मैं और तुम्हारे भाभी दोनों मिलकर महादेव मंदिर जाएंगे, अब तो तुम खुश हो ना। ड्राइवर ने कहा, हाँ मालिक आपके खुशी में ही मैं खुश हूँ, कल सुबह ही मैं गाड़ी तैयार करके रखता हूँ, आपको और भाभी को मैं महादेव के मंदिर लेकर जाऊंगा। उसके अगले ही दिन सुबह नागिन को जिस समय का इंतजार था आखिरकार वो समय आ ही गया। नागिन अपने गाड़ी में राजस्कन और उसके पत्नी को बिठाकर जंगल के अंदर महादेव के शिव मंदिर की ओर जाने लगा। वो जंगल के अंदर चलता हुआ एक बहुत ही बड़ा पहाड़ के ऊपर घाटी चढ़ता हुआ जाकर उस महादेव के मंदिर के पास जा पहुंचा। उस बड़े से घाटी के पास एक महादेव का शिव मंदिर था। राजस्कन और उसके पत्नी महादेव की पूजा खत्म करने के बाद आकर उस घाटी के ऊपर खड़ा होकर नीचे की नजारा देखने लगे थे। वो घाटी बहुत ही बड़ा था और नीचे एक बड़ा सा घाई था। उस घाई में गिरकर आज तक ना जाने कितने लोगों की जान चले गए थे। जब वो दोनों वो बड़े से पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर नीचे घाई की ओर देख रहे थे, तभी इच्छाधारी नागिन उनके पीछे जाकर अपने असली रूप में आ गई। अपने पीछे एक बहुत ही बड़ा विशालकाय सांप देखकर राजस्कन की पत्नी की पाँव फिसल गया। वो उस घाटी से नीचे गिरकर एक बड़े से पत्थर को पकड़ ली। उसका हाथ उस पत्थर से फिसल रही थी। अगर वो हाथ छोड़ देता तो नीचे घाई में गिरकर उसकी मौत हो सकती थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ मेरा हाथ फिसल रही है। राजस्कन अपनी बीबी की इस तरह का हाल देखकर रोने लगा। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी नागिन राजस्कन के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मुझे पहचाना, मैं वही नागिन हूँ जिसके पति को तुमने बड़े ही बेरहमी से मार डाला और तुमने मेरे पेट में पले मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आज मेरा समय है, मैं तुम्हें और तुम्हारे पत्नी को नहीं छोड़ूंगी, आज मेरा बदला पूरा होगा। राजस्कन उस नागिन के बातें सुनने के बाद उसको एहसास हो चुका था कि वो कितना बड़ा गलती किया था। उसके वजह से एक हंसता खिलता संसार उजड़ गया। राजस्कन रोता हुआ नागिन को कहने लगा, मुझसे जो गलती हुआ है वो माफी के लायक तो नहीं है, मगर हाँ मैंने जो गलती किया है उसकी सजा मेरे बच्चे और मेरे बीवी को मत दो। अगर तुम चाहो तो मेरे जान ले लो, मगर मेरे बीबी और बच्चों को बचा लो। नागिन उसके बातें सुनने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि एक माँ अपने बच्चों को खोने के बाद उसकी तकलीफ क्या होता है। वो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है, वो भी अपने बच्चों को खोने के बाद उसे उतना ही तकलीफ हुआ था। वो राजस्कन से बदला तो लेना चाहती थी, मगर एक माँ को अपने बच्चों से अलग करना भी उसे पसंद नहीं था। वो नागिन राजस्कन के बीबी को उस घाई से गिरते हुए उसे बचा लिया और राजस्कन को माफ करके वहां से चली गई।
ये सब देखकर राजेश कन खुद को बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगा। उससे क्या हो गया? लालच में आकर वो बहुत ही बड़ा पाप कर लिया था। राजेश कन अपनी बीबी को लेकर अपने घर चला गया और वहां जाकर वो जो इच्छाधारी नाग का मणि वो छुपा कर रखा था, उस मणि को निकाल कर वो उस जंगल के अंदर जाने लगा। उसे पता था नागिन उसे उसी जंगल में ही मिलेगा। वो नागमणि को अपने हाथ में लेकर उस बरगद के पेड़ के पास जाकर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। राजेश कन को रोता हुआ देखकर नागिन उस बरगद के पेड़ से नीचे उतर कर आकर खड़ी हो गई। राजेश कन कहने लगा, मैं जो पाप किया है ये पाप मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं मिटेगा। मैंने तुम्हारा हंसता हुआ परिवार को उजाड़ डाला, मगर तुम मेरे परिवार को मरने से बचा लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चों को वापस तो नहीं ला सकता हूँ, मगर ये तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद किसी भी इंसान को मैं धोखा नहीं दूंगा। हर इंसान की मैं दिल से मदद करूंगा। ये कहने के बाद राजेश कन उस नागमणि को उस नागिन को देकर वहां से अपने घर लौट आता है। और उसी दिनों के बाद राजेश कन की जिंदगी बदल जाता है। वो हर इंसान की मदद करता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आता है तो ये वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।